होंडा 71.25 में मैंने शुरू किया और रास्ते में मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर मैं इंटरव्यू दूंगा ना तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। उसका कोई मजल काम नहीं किया, तावील भी कह दिया तो समझ आ गई कि तावील गलत है। तावील भी कोई लफ्ज नहीं है भाई, तावील भी तो मास्टर है। बहस क्या मास्टर है, बहुत कर रहे हैं आप, बहस कर रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मैं भी थोड़ा सा आप लोगों के जुमलों पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते कि जी इसने ये जुमला गलत बोला। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है, व्लॉग करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप और कैसे लग रहा हूँ मैं। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अनदर व्लॉग नहीं, ये लाइफ जर्नी ऑफ आगा माजी सलीम अल बेला एंड अयूब मिर्ज़ा पार्ट 2 है। वो व्लॉग जरा लेंथी हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस व्लॉग को दो पार्ट में कर दूं। पहले व्लॉग में हमने आगा माजिद और सलीम अल बेला की जिंदगी आप लोगों के साथ शेयर की थी। हमारे एक आर्टिस्ट रह गए थे अयूब मिर्ज़ा, जो हमारी इंडस्ट्री के मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। व्लॉग की तरफ चलते हैं जी। आपने अपने फन का आगाज किस सन में किया? सन 71.2 में मेरा में मैंने शुरू किया और रास्ते में मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। मैं फिर वहां बैठा रहा, फिर अल्लाह का शुक्र आज पैदल, अल्लाह का शुक्र आज तो 71.25 में ना मैं आया था। काले रंग का 71.25 था तो बस उसके बाद अब यूनाइटेड पे हूँ। चाइना की गाड़ी है मेरे को, टाइम पे किश्त दे रहा हूँ। क्या गल्ला कर रहे हो मिर्ज़ा साहब, तो जिंदगी के बारे में बताइए। और तो जब शुरू हुआ छोटे क्रिस्पी शब्दों में आप तो बस ऐसे ही सफर जारी है। अब तक इंसान जो है वो स्ट्रगल में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, जिंदगी सारी स्ट्रगल में गुजर जाती है इंसान में। आज वो दिन याद करें तो लगता है कि यार काफी अच्छा बीत गया, लेकिन ये भी नजर आता है कि यार अब तक वही हालात है, वही वक्त है और अभी भी हम स्ट्रगल में हैं। स्ट्रगल इंसान की मुकम्मल नहीं होती, तो क्योंकि ये समंदर है इसका किनारा नहीं है। कौन सा सुना? ये समंदर है भाई, काम है अच्छा, बहुत तावील है, बहुत लंबा है। मैं रास्ते में कोई समंदर आ गया? अरे ये समंदर नहीं, इधर बिहाड़ी में कौन सा समंदर आएगा। तो ये है कि मतलब हम लोग जो हैं अपनी मेहनत कर रहे हैं, स्टेज भी करते हैं और टीवी भी कर रहे हैं, वो भी मेहनत है, वो भी स्ट्रगल है। और अपनी जो है जिंदगी के बारे में जैसा भी सवाल करता है वैसे जवाब आ जाता है। चल इस वक्त हम सफर कर रहे हैं। सब लफ्ज जो होता है ना, तावील नहीं होता, तवील। ये सफर जो है ना बड़ा तवील है, तावील सब लफ्ज नहीं है, तावील। चल काफी तवील सफर है, मेरी सलाह कर दी आगर साहब। और आगर साहब मैं मुस्लिम मिला साहब है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं और मेरे जूनियर भी हैं, बच्चे भी हैं। और अल्लाह ताला ने जो बड़ा अच्छा मकाम बनाया, बड़े भाई कैसे हो मकाम में बड़े हैं, आपके जूनियर भी हैं, बच्चे भी हैं और बड़े भाई भी हैं। बड़े भाई इसलिए हैं कि जो दर्जा अल्लाह ने बनाया है और जिसको अल्लाह इज्जत देता है ना उसकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसे ही वो ये नहीं होता मतलब जज छोटी उम्र का होता है लेकिन फैसले बड़े करता है, ये होते हैं ना कि मतलब इस लिहाज से बात कर रहा हूँ। मेरी काफ़ी सारी बातों की सलाह कर दी उन्होंने और अच्छा है, तनकीद बराए सलाह होती है, होनी चाहिए, जरूरी है। तो देखो मैंने इसलिए आपको आपकी सलाह दी ना क्योंकि आप भी करते हैं कि जी पीमाने में, पीमाने तो बड़े लोग कहते हैं, पैमाने को पीमाना भी कहते हैं, तो तवील को तावील कहते हैं। लफ्ज जो है मेरे ख्याल में मैं उसका कोई वजन कम नहीं किया, तावील भी कह दिया तो समझ आ गई कि तावील गलत है। तावील के माने और है, तवील के माने और। पैमाना जो होता है ना ये कोई लफ्ज नहीं है, तावील भी कोई लफ्ज नहीं है, तावील भी कोई लफ्ज नहीं है भाई, तावील भी कोई लफ्ज। पैमाना,
लेकिन आप बहस के तो मास्टर हैं, बहस के आप मास्टर हैं, वो आप कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मैं भी थोड़ा सा तनकीद की थी। मैंने आपको ये कहा है कि तावील कोई लफ्ज नहीं है, तवील है जी ये सफर मेरा, बड़ा तवील सफर, तवील तवील, आप तावील कर रहे हैं, दूसरे बंदे को आप भी माना पकड़ लेते हैं, बड़े सारे लफ्ज है लोग हो जाते हैं क्योंकि ये काम है, इसमें फंबल भी हो जाते हैं, लफ्ज तलफ्ज की बड़ी जंग है, काम की जंग होती है, लफ्ज तलफ्ज, और जिस इंसान ने काम की जंग नहीं है मेरे ख्याल में वो नहीं कहला सकता। अगर आप माजरत के साथ अगर आप बुरा ना महसूस करें तो उर्दू में लफ्ज भी नहीं होता लफ्ज, तो ये ऐसा तो नहीं है कि आप तो बिल्कुल लफ्ज की तरफ पड़ गए, देखिए गजल भी लफ्ज नहीं है, अच्छा गजल भी लफ्ज नहीं है हजूर, लफ्ज गजल नहीं, गजल लफ्ज नहीं है जी, मैं तो ट्यूशन पढ़ना है। मिर्जा साहब ये क्या वजह है कि आपकी और आगा साहब की बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा लगती है, और क्या वजह, प्यार मोहब्बत है क्या है ये, ये आप इसको प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, मोहब्बत भी बहुत ज्यादा करते हैं, मैं इसलिए आपको आपकी आइंदा नहीं करेंगे, आपकी तसीह इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के जुमलों पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं कि जी इसने ये जुमला गलत बोला, गलत नहीं होता लफ्ज, गलत होता है, आपकी सलाह कर रही हूँ, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, लफ्जों में अगर मैं इंटरव्यू दूंगा ना तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, तो मैं भी तो ऐसे कह रहा हूँ, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ, आप गलत कहे ना, लफ्ज गलत नहीं होता, आप भी गजल ना कहें, आप भी गजल ना कहें, तावील ना कहें ना, जैसे कहते हैं कि जी मुझसे गलती हो गई, नहीं ये लफ्ज है कि मुझसे गलती हो गई, मालूम है, मैं तो तावील का क्या कहें, तावील का भी तवील, आपने कहा कि तवील तो मैंने तवील कह दिया, मेरी सलाह होगी, मुझे अच्छा लगा, तो ये होनी चाहिए तनकीद और तमहीद होनी चाहिए, तनकीद इसी से जिंदगी है, लफ्जों से बातों से लफ्ज तलफ्ज को सीधा करना है, लेकिन तनकीद और तमहीद, तमहीद और लफ्ज है, तनकीद और लफ्ज है, तमहीद जो है वो बांधी जाती है, तमहीद जो लफ्ज है ना जी, कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, मैं इसकी तमहीद बांध के आपको डिटेल, यानी तमहीद के माने डिटेल, तमहीद बांध के मैं ये बताता हूँ आपको, ये बात तनकीद और तमहीद है ही नहीं, लफ्ज ही नहीं, जुमला नहीं है तनकीद और तमहीद। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।